लास्ट टाइम हमने होम किया था, इंसर्ट किया था, अब डिज़ाइन और पेज लेआउट जो पुराने वाला वर्जन है उसके अंदर तो एक ही है, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया गया है, लेकिन नए वाले के अंदर आपको क्या किया गया है, पेज लेआउट के तौर पे दिया गया अलग और डिज़ाइन के तौर पे दिया गया अलग, मतलब इन्हीं बटनों को जो है मिक्स कर दिया गया पेज लेआउट के अंदर पुराने वाले के अंदर, लेकिन नए में क्या है दोनों को अलग अलग किया हुआ है। तो चलो आज पहले हम पेज लेआउट ट्राई करते हैं। पेज लेआउट के अंदर हम सीखेंगे आज मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम को सेट करना। मार्जिन क्या होता है, देखो वर्ड में काम करने के पीछे दो रीज़न होते हैं, रीज़न तो काफ़ी सारे हैं लेकिन मेनली दो रीज़न हैं। एक तो बना के सेव कर दो, सेव करना आप सभी को आता है, कोई दिक्कत है नहीं उसके अंदर, और एक होता है उसको बना के उसका प्रिंट आउट निकालना। अभी तक जो हमने सीखा है वो सीखा है उसको बना के सेव करना, प्रिंट आउट निकालना या प्रिंट वगैरह का जो काम है वो अभी हमने नहीं सीखा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे जो है आज प्रिंट आउट निकालने से पहले या प्रिंट निकालने से पहले जो है पेज को सेटअप करना जो है वो सीखेंगे सबसे पहले, क्योंकि पेज सेटअप होगा जब ही बात बनेगी। सबसे पहले थोड़ा मैटर को हम टाइप कर लेते हैं, हमने थोड़ा सा मैटर जो है टाइप कर लिया है, उसके बाद में आप जब इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तो ये काफ़ी सारे पेजेस में हो जाएगा, जितना भी आप चाहें। मैंने लगभग 10-15 बार दबाया तो ये आपके पास कितने पेजेस आ गए, टोटल 7 पेजेस आ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे प्रिंट निकालना, तो प्रिंट निकालने के लिए कोई बड़ा बड़ी बात नहीं है, बड़ा काम नहीं है। प्रिंट के लिए आप प्रिंट पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्रिंट का बटन, प्रिंट पे क्लिक करो, प्रिंट करो और ओके, प्रिंट आउट निकल जाएगा। लेकिन प्रिंट आउट निकलने के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, जैसे कि उसमें गैप जो है वो हो सकता है ज़्यादा हो गया हो चारों साइड से, या हो सकता है कि गैप क्या हो गया हो कम हो गया हो। तो क्या प्रिंट आउट निकलने के बाद कुछ में कुछ ऐसा होगा, नहीं निकल गया उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता उसके अंदर। तो आप क्या करें, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट का जो प्रीव्यू है, प्रिंट निकालने से पहले जो उसका प्रीव्यू है वो आपको दिखाएगा। आप यहाँ पे देख लो, अगर आपको सही लग रहा है तो आप प्रिंट की कमांड दो, नहीं तो मत दो, ठीक है ना। प्रिंट प्रीव्यू में जाने के लिए आप या तो क्या करें, प्रिंट पे क्लिक करें तो भी आपका यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, या फिर एक काम करें कंट्रोल के साथ में F2 दबाएं तो भी आपका वो प्रिंट के अंदर ले जाएगा। प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू दोनों कंबाइन पार्ट हैं। कंट्रोल P दबाएंगे तो भी आपका प्रिंट खुलेगा, कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे तो भी आपका प्रिंट प्रीव्यू जो है वो खुल जाएगा। बात एक ही है, दोनों मतलब सेम ही आपके पार्ट हैं। अब आपने क्या किया, कंट्रोल प्लस F2 दबाया, आपने कहा सर ये मार्जिन वगैरह जो है ना वो थोड़ा ठीक ठाक है, या आपने कहा कि चारों तरफ से जो है अभी फिलहाल कितना गैप है, या तो ज़्यादा है या कम है। अगर आप इसको अपने हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा। देखो वैसे तो आपको यहाँ दिया गया मार्जिन के नाम से बटन दिया गया, मैं पहले बता देता हूँ। मार्जिन के अंदर हम मार्जिन सेट करते हैं चारों तरफ का जो गैप है वो कितना कितना होना चाहिए। अभी फिलहाल कितना है, नॉर्मल है, नॉर्मल के अंदर आपका इतना इतना गैप होगा, ठीक है। हम कहते हैं हमें नॉर्मल नहीं, हमें नैरो चाहिए। नैरो के अंदर को मेजरमेंट जो है सेंटीमीटर में दिया गया, 2.4 2.4 2.4, ये अप्रोक्स आपका एक एक इंच के बराबर है। अगर आप करते हैं हाफ हाफ इंच का, जिसको हम लेते हैं 1.27, देखो आपका जैसे ही नैरो पे क्लिक करोगे तो जो चारों तरफ जो गैप था वो क्या हो गया, काफ़ी कम हो गया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लाइव भी देख सकते हैं, या फिर एक काम और भी करना, जब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाओगे तो यही आपको जो सेटिंग है वो यहाँ भी दी गई, लिखा हुआ नॉर्मल मार्जिन, ये लिस्ट आ गई आपकी। दोनों जगह सेम बात है, चाहे वहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, एक ही बात है। नॉर्मल चाहिए नॉर्मल लो, नैरो चाहिए नैरो ले लो मार्जिन यहाँ से। अगर आपको मॉडरेट मॉडरेट में अलग अलग है, देखो इसमें चारों तरफ अलग अलग एक ही मार्जिन सेट है, इसमें भी चारों तरफ एक ही मार्जिन सेट है, टॉप लेफ्ट अप राइट बॉटम। मॉडरेट के अंदर ऊपर नीचे अलग अलग है, देख रहे हो टॉप और बॉटम में डिफरेंट डिफरेंट है, और लेफ्ट और राइट के अंदर डिफरेंट है, ऐसे वाइड है ऐसे मिडेड है, तो ये अलग अलग आपको दिए गए हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि हमने कहा कि हमें चारों तरफ जो है सेम मार्जिन चाहिए जो हमने अभी लिया है, लेकिन ऊपर की साइड में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो ऐसा इसके अंदर कहीं नहीं दिया गया। उसके लिए आपने क्या कि कस्टम की बात की है, तो उसके लिए आप क्या करना, कस्टम मार्जिन में जाना। कस्टम मार्जिन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने खुलेगा पेज सेटअप। इस पेज सेटअप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, फिलहाल टॉप का बॉटम का लेफ्ट का राइट का जो मार्जिन है वो आपका इतना इतना सेट है जितना इसमें लिखा हुआ है, 2.4 2.4 2.4। आप चाहो, अब आप ये चाहते हो कि चारों साइड से, यानी चार मतलब तीन साइड जो है लेफ्ट में बॉटम में और राइट में सेम रहे, ठीक है, यहाँ भी सेम रहे यहाँ भी सेम रहे यहाँ भी सेम रहे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो तो टॉप वाले क्या करते हो, थोड़ा सा बढ़ा दो। आप बढ़ा दिया हमने, आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपका लाइव चेंजमेंट हो रहा है, हो रहा ना कम ज़्यादा हो रहा है, हमने थोड़ा ज़्यादा किया। आप जैसे ओके करूँगा यहाँ पे आपका जो है मार्जिन बढ़ जाएगा। ये हमने कस्टम मार्जिन की बात की है।
तो कस्टम करना है तो आप कस्टम में लेना, बाकी नॉर्मल आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये सेटिंग थी मार्जिन को सेट करने की, मार्जिन मतलब गैप को सेट करने की। अच्छा नेक्स्ट बटन इसके अंदर मेरे पास में आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज या तो पोर्ट्रेट्स में होगा या लैंडस्केप में होगा। थोड़ा मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, अभी पेजेस कैसे आ रहे हैं, लंबे में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, लैंडस्केप करूँगा। ओरिएंटेशन का काम होता है पेज का जो लेआउट उसको चेंज करना, या तो पेज आपका पोर्ट्रेट में होगा यानी खड़े में होगा, या फिर आपका होगा लेटे हुए में यानी लैंडस्केप के अंदर होगा। अभी पेज कैसे आ रहे हैं, लंबे लंबे आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो, और ये सेम सेटिंग आपको प्रिंट के अंदर भी दी गई है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये देखो, नॉर्मल मार्जिन आपका यहाँ दिया गया, देखो लिखा हुआ ना पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यहाँ पे आपका पोर्ट्रेट और ये आपका लैंडस्केप, मतलब दोनों चीज़ें आपको सेम सेम जो है दी गई है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रिंट पेज लेआउट के अंदर, जिसका नाम नेक्स्ट है, वो आपका है साइज। पेपर का साइज क्या होना चाहिए, नॉर्मली जो हम पेपर का साइज यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं A4, जो मैक्सिमम जो यूज़ होता है, जिस पे आप प्रिंट आउट निकलवाते हो, फोटोकॉपी कराते हो, वो A4 होता है। बाकी आपने A3 का भी नाम सुना होगा, A5 का भी नाम सुना होगा, या ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आपको जो भी इसमें देखना है देख लो, आपकी मर्जी है। तो हमने A4 लिया क्योंकि एवरेजन हमारा A4 ही चलता है, ज़्यादातर हमारा यूज़ होता है। बाकी आप भी अगर चाहें तो मोर पेपर साइज में जाके अपने हिसाब से भी यहाँ पे हाइट फिट डाल सकते हैं, जो भी आपको डालनी हो। तो ये भी आपका पेज सेटअप में दिया गया, ठीक है। तो ये मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, तीनों चीज़ यहाँ पे आ गई। यही तीनों के तीनों ऑप्शन आपको प्रिंट में भी दिए गए हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये आपका पोर्ट्रेट लैंडस्केप आ गया, ये आपका मार्जिन आ गया, और ये आपका क्या आ गया, साइज आ गया। कस्टम पे क्लिक करोगे या मोर पे क्लिक करोगे तो ये पेज सेटअप खुलता है बार बार आपका, जो आप यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। मार्जिन सेट हो गया, साइज भी सेट हो गया आपका, मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, साइज हो गया। तीनों बटन सेट होने के बाद अब एक लास्ट काम बचता है, जिसका नाम, जिसका है आपका प्रिंट। प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको दो तीन बातों को ध्यान रखना है। जैसे आप शॉप पे जाके बोलते हो भैया दो दो कॉपी निकाल दो, तीन तीन कॉपी निकाल दो, बोलते हैं ना, ये आपका दिया गया कॉपी रिक्वायरमेंट। मेरे पास में 7 पेजेस हैं, कितने हैं, 7 पेजेस हैं। हमने कहा मुझे हर पेज की तीन तीन कॉपियाँ चाहिए, कितने हो गए, 21 पेजेस हो गए, ठीक है। दूसरा, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे प्रिंटर का नाम, सबसे मेन चीज़। आप कभी शॉप पे जाके देखते हो, वहाँ पे दुकान वाले के पास में, शॉप वाले के पास में दो तीन प्रिंटर रखे होते हैं, तो उसका जो प्रिंटर है या जो आपने जो प्रिंटर सिस्टम में अटैच किया हुआ है, HP का है, डेल का है, सैमसंग का, जिसका भी है, उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आप अटैच करोगे, जैसे आप फ़ोन में वाईफाई अटैच करते हो ना, वैसे आप उस पर क्लिक करोगे, जिससे भी आपको प्रिंट निकालना है। क्लिक करने के बाद में आपका उससे प्रिंट आउट निकल जाएगा। फिलहाल इसके अंदर कोई प्रिंटर सेट नहीं है, तो मैंने एक बार नॉर्मली किसी को ले लिया मैंने आपका, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे दिया गया प्रिंट ऑल, ये तो आपका प्रिंट ऑल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हो, जैसे प्रिंट करंट पेज या प्रिंट कस्टम। ऑल का मतलब तो है सारे के सारे प्रिंट करना, करंट पेज का मतलब क्या है, मेरा जिस पे करंटली क्लिक है वो वाला पेज का प्रिंट आउट निकलेगा। जैसे मेरा करंटली क्लिक है इस वाले पेज पे, कौन से पे, 3 पे। तो जब आप क्लिक करेंगे करंट पेज पे, तो आपका करंट पेज वाले का प्रिंट आउट निकलेगा। बहुत बार होता है कि हमें सिर्फ इतने ही एरिया का निकालना होता है, तो आप एक काम करना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल पी दबाया, हमने यहाँ पे देखा कि एक बटन जिसका नाम है प्रिंट सेलेक्शन, क्या काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा ना, ठीक है। जैसे मैं एरिया सेलेक्ट करके जाऊँगा एक पर्टिकुलर एरिया, तो देखो वो काम करना वहाँ पर स्टार्ट कर देगा, क्या कि नहीं किया, समझ गए होंगे आप। ऑल का मतलब सभी, सेलेक्शन का मतलब जो आपने सेलेक्ट किया वो, करंट का मतलब जिस पे आप करंटली हो, और कस्टम प्रिंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं। मेरे पास में 7 पेजेस हैं, हमने कहा 1, 3, 5, 7, समझ गए। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आपने कहा सर 2 का निकालना है, फिर 5 का निकालना है, फिर 7 का निकालना है, मतलब कस्टम आप लिख सकते हैं जैसे भी आपको निकालना है, ठीक है, समझ गए। बाकी ये फिलहाल वन साइडेड ही होते हैं, क्योंकि बोथ साइड के लिए आपके पास अच्छा प्रिंट होना चाहिए, इसके अंदर आपका आगे पीछे एक साथ प्रिंट आउट निकल जाता है। उसके बाद एक नेक्स्ट सेटिंग है जिसका नाम है कलेक्ट। मैं एक बार फिर से बता दूँगा क्या क्या मैंने इसमें बताया है। कलेक्ट में क्या होता है कि आप जो प्रिंट आउट निकालते हैं वो निकालते हैं सेट वाइज या विदाउट सेट वाइज। एक छोटी सी लॉजिक वाली बात समझना, मेरे पास में कितने पेजेस हैं बताओ, 7 है, ठीक है। हमने कहा मुझे कितने निकालने हैं, हर पेज की कॉपी 3 निकालनी है, टोटल कितने हो गए, 21 हो गए आपके। अब ये जो 21 पेजेस हैं ये आपको कैसे निकालने हैं, या तो आप ऐसे निकालो 1 से लेके 7 तक एक सेट, फिर 1 से लेके 7 तक दूसरा सेट, फिर 1 से लेके 7 तक तीसरा सेट, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे आप या तो ऐसे निकालो, ठीक है, 1 से लेके 7 तक जो है आपका एक सेट निकल गया, ठीक है। अरे ये इसमें क्या लिखा गया, हमने तो कुछ लिखा था, कुछ हो रही था 1, 2, 3, हाँ सही है, ठीक है।
या तो आप निकालो वन से लेके सेवन तक एक सेट निकल गया, इसी टाइप से आपने क्या किया एक सेट और निकाल दिया, ठीक है, इसी टाइप से हमने क्या किया एक सेट और इसी टाइप से हमने क्या किया एक सेट और, कितने सेट हो गए, तीन सेट हो गए। मैं समझा रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ आपकी है। मेरे पास में सात पेज हैं, एक सेट निकल गया, एक सेट निकल गया, एक सेट निकल गया। या तो तरीका है कि आप सेट वाइज निकालो, या दूसरा तरीका है कि वन वन वन, ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, वन वन वन, फिर टू टू टू, फिर थ्री थ्री थ्री, फिर फोर फोर फोर, फाइव फाइव फाइव, सिक्स सिक्स सिक्स, सेवन सेवन सेवन। समझ गए बात को, ठीक है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं अपने इसको सेट वाइज, तो आप यहाँ पे यूज़ करें, किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे कोलेक्ट का, अदरवाइज अनकोलेक्ट का। बाकी जैसा आपको प्रिंट प्री में दिखा रहा है 101% आपका वैसा का वैसा ही आएगा। समझ गए बात को। मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज, तीनों बटन आपको यहाँ भी दिए गए हैं और यही तीनों बटन आपको यहाँ भी दिए गए, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। समझ गए आपको। तो ये पेज सेटअप है, इसको एक बार अभी आप करके देखो, ठीक है। कॉलम के अंदर आप मैटर को कॉलम वाइज कर सकते हैं, जैसा आपका न्यूज़पेपर या मैगजीन के अंदर होता है, आपको वन तो होता ही है बाई डिफॉल्ट। टू कॉलम करेंगे तो आपका मैटर टू कॉलम में होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप थ्री करेंगे तो थ्री में हो जाएगा, फोर नहीं होता, बाकी लेफ्ट में आपका छोटा और एक बड़ा, और राइट के अंदर एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। तो अभी आपको चार बटन करके देखना है, प्लस करना है पूरा का पूरा प्रिंट वाला काम। प्रिंट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस F2 या कंट्रोल प्लस P, दोनों आप दबा सकते हैं, मर्जी है आपकी।